गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने इस क्लास में नंबर्स को राउंड ऑफ करना सीखेंगे। राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, इसी के बिहाफ पे हमारे जो क्या है अगला जो हमारा चैप्टर होगा या एक्सरसाइज होगा वो इसी के बिहाफ पर होगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करना सीखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हमारे पास नंबर है, नंबर है 573। क्या है बच्चों? 573 को हमें राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 में। बहुत ध्यान से देखिएगा, आप जब ही समझ पाएंगे जब इसे आप ध्यान से देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा जाए, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखें। तो 573 जब हमें नियरेस्ट 10 में देखना है तो हम वंस प्लेस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो वंस प्लेस पर क्या है बच्चों? 3 है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जब वंस प्लेस पे जो वैल्यू है जब वो क्या होगी बच्चों, वो लेस देन 5 होगी। क्या होगी? वो लेस देन 5 होगी। तो सो राउंड डाउन, तब हम क्या करेंगे? राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन करेंगे कब करेंगे? जब वंस प्लेस वाली वैल्यू 5 से छोटी होगी। किस में? नियरेस्ट 10 में हम किसको देखेंगे? वंस प्लेस वाली को। वेरी गुड। जब राउंड डाउन करते हैं तो क्या करते हैं? रिप्लेस बाय 0, जो वंस प्लेस की वैल्यू होती है उसके प्लेस को हम, मतलब वहाँ से 3 को रिप्लेस करके हम क्या करेंगे? 0, 3 को हटा के हम 0 लिख देंगे। और जो टेंस प्लेस पर वैल्यू है, कौन सी प्लेस पर? टेंस प्लेस पर जो वैल्यू है उसे लीव अनचेंज, उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। चलिए, मैंने इसका आंसर कर रखा है, अभी आपको मैंने समझाया क्या करना है। जो 3 है 3 के प्लेस पर 0 लिख देना है। एंड जब 3 क्या होगा, 5 से ये वाली वैल्यू जब 5 से छोटी होगी तो यहाँ 0 हो जाएगा और इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये सेम है, 7 आ जाएगा और ये 5 जैसा का जैसा है वैसा ही हम उसको राइट डाउन कर देंगे। तो ये हो गया, क्या हो गया बच्चों? राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना। ये तो पहली सिचुएशन हो गई जब यहाँ 5 से छोटा होगा। सेकेंड सिचुएशन में हम देखेंगे कि जो वंस प्लेस पर वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 5, जब वो क्या होगा? इक्वल 5 होगा। तो राउंड अप होगा। क्या होगा बच्चों? राउंड अप होगा। जब राउंड अप होता है तो क्या करेंगे? वंस वाली प्लेस की वैल्यू को हम 0 में तो प्लेस करेंगे ही करेंगे, उसे हम 0 में रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद ये जो टेंस प्लेस पर है उसे हम इनक्रीज बाय 1, जैसे यहाँ 3 है तो 3 की जगह हम 4 लिख देंगे, 5 होता तो 6 लिख देते, एक हम क्या करेंगे? इंक्रीज करके राइट करेंगे। तो चलिए, मैंने इसका आंसर राइट डाउन करके देख लेते हैं। हमें क्या करना है? 5 के प्लेस पर 0, मैंने 0 लिख दिया। 3 को क्या करना था बच्चों? इंक्रीज करना था 1। जब हमने 3 को 1 इंक्रीज करा तो ये हो जाएगा 4, और बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो अनचेंज्ड होके हम सेम वैसे ही राइट डाउन कर देंगे। नाउ थर्ड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन में हम देखेंगे जो वंस प्लेस वाली वैल्यू है, वंस प्लेस वाली वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 5। वो क्या है बच्चों? वो 5 से बड़ी है। तब हम क्या करेंगे? तब हम राउंड अप करेंगे। जैसे हमने इक्वल वाले में करा, राउंड अप करने में क्या करते हैं? वंस प्लेस वाली वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे 0 से और टेंस प्लेस वाली वैल्यू को 1 इंक्रीज कर देंगे। तो इसको हम 0 प्लेस कर देंगे एंड 0 के 0 में 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। तो इसका आ जाएगा 810। तो ऐसे करके हम किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं नियरेस्ट 10 में। ओके, तो चलिए अब हम सीखते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। अभी हमने 10 सीखा, अब हम सीखेंगे 100। 100 को भी हम राउंड ऑफ करना सीखते हैं। बच्चों, इसमें भी वही सारी जो भी कंडीशंस थी वो सारी कंडीशंस अप्लाई होगी, बट यहाँ पर क्या होगा, जब हम टेंस वाला करते हैं तो हम वंस प्लेस वाली वैल्यू को देखते हैं। अब जब हम क्या करेंगे? नियरेस्ट 100 में करेंगे तब हम टेंस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो चलिए, हमारे पास नंबर है 5748। अब हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू को देखेंगे? टेंस वाली वैल्यू को देखेंगे। टेंस वाली वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर भी वही तीनों कंडीशन होगी। टेंस वाली वैल्यू जब 5 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? 5 के इक्वल होगा तो क्या करेंगे, और 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे? एक एक करके हम सभी को समझते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है बच्चों? ये 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन में क्या करेंगे? ये दोनों वैल्यूज़ जो है, टेंस प्लेस वाली, वंस प्लेस वाली, दोनों ही वैल्यू को हम रिप्लेस बाय
जीरो, दोनों ही वैल्यू की जगह, चाहे कोई सी भी वैल्यू लिखी हो उस वैल्यू की जगह पर हम क्या रखेंगे, प्लेस पे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। और जो क्या होगा, हंड्रेड प्लेस की वैल्यू होगी, क्योंकि हम नियरेस्ट हंड्रेड में कर रहे हैं, हंड्रेड प्लेस की जो वैल्यू होगी उसको चेंज नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे, जब टेंथ प्लेस की वैल्यू फाइव से छोटी होगी, ठीक है। तो इसको जब हम कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5700। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पार्ट में आप देखेंगे जो टेंथ प्लेस वाली वैल्यू है वो फाइव के इक्वल है, जब ये फाइव के इक्वल है तो ये राउंड अप होगा। ओके, राउंड अप में इस दोनों वैल्यू को जीरो से रिप्लेस कर देंगे और जो हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू है उसको वन इंक्रीज कर देंगे। जब हमने इन दोनों को जीरो प्लेस करा, इसको वन इंक्रीज करा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन, टेन का जीरो और वन कैरी इधर चला जाएगा, तो सिक्स और वन सेवन। तो ऐसे करके हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। बच्चों थर्ड सिचुएशन देखते हैं, चलिए बच्चों इसको भी समझते हैं। हमारे पास जो नंबर है 8074, यहाँ पर जो टेंथ प्लेस वाली वैल्यू है वो फाइव से बड़ी है। जब फाइव से बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। राउंड अप में ये दोनों वैल्यूज़ टेंथ वाली और वंस वाली तो जीरो से रिप्लेस कर देंगे और हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू को इंक्रीज बाय वन कर देंगे। तो इस दोनों को जब हमने जीरो से रिप्लेस करा तो जीरो जीरो लिख दिया इन दोनों डिजिट के प्लेस पर, एंड जीरो को वन रिप्लेस करेंगे तो वो हो जाएगा वन। जीरो में वन इंक्रीज कर देंगे ना, तो जीरो में वन इंक्रीज करेंगे तो वो हो जाएगा वन और एट का एट, ऐसा ही हम राइट डाउन कर देंगे। अब हम सीखते हैं बच्चों राउंड ऑफ नियरेस्ट थाउजेंड करना। थाउजेंड में भी सब कुछ वैसा ही होगा, बस क्या होगा, हम यहाँ पर जो प्लेस देखेंगे वो प्लेस देखेंगे हंड्रेड प्लेस वाला। जैसे हमने हंड्रेड में टेंस वाला देखा और टेंस में वंस वाला देखा, तो वैसे ही हम थाउजेंड वाले में क्या करेंगे, थाउजेंड वाले में हम हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू को देखेंगे। तो हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू को जो हमने यहाँ देखा, तो ये क्या है बच्चों, फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा होगा तो राउंड डाउन करेंगे। राउंड डाउन में यहाँ क्या करेंगे, ये जो हंड्रेड टेंस वंस प्लेस की वैल्यू है उसको हम रिप्लेस बाय ज़ीरो कर देंगे, एंड जो थाउजेंड प्लेस वाली वैल्यू है उसमें अनचेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। कब, जब हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू फाइव से छोटी होगी। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 5000। ओके, अब हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में जो हंड्रेड प्लेस वाली वैल्यू होगी वो फाइव के इक्वल होगा, तो राउंड अप होगा। जब राउंड अप होता है तो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ये जो तीनों वैल्यूज़ है हंड्रेड टेंस वंस वाली, वो रिप्लेस बाय ज़ीरो हो जाएगी, और जो थाउजेंड वाली वैल्यू है जिसमें हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, थाउजेंड वाली वैल्यू में इंक्रीज कर देंगे वन से। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों जीरो आ जाएंगे, थ्री को जब वन से इंक्रीज करेंगे तो ये फोर हो जाएगा और बाकी सारे नंबर ऐसे ही राइट डाउन कर देंगे। ऐसे ही इसका लास्ट वाला है, लास्ट वाली वैल्यू हंड्रेड की प्लेस पर जब फाइव से बड़ी होगी तब भी राउंड अप होगा। राउंड अप में क्या होगा, ये तीनों हंड्रेड टेंस वंस वाली जो है वो रिप्लेस बाय ज़ीरो हो जाएगी और थाउजेंड वाली इंक्रीज बाय वन हो जाएगी। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 30000। ओके, तो ऐसे करके बच्चों हम क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट हंड्रेड और नियरेस्ट थाउजेंड वाली वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो इन सभी को आपको क्या करना है, एक एक करके प्रैक्टिस करनी है और ऐसे ही नंबर्स को लेकर और भी नंबर्स जो भी आपके मन में आए, या आप अपने एल्डर ब्रदर से भी या पेरेंट्स से भी पूछकर नंबर, उसे आप नियरेस्ट टेन, नियरेस्ट हंड्रेड एंड नियरेस्ट थाउजेंड में उसे आप क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे एक्सरसाइज। वीडियो को बच्चों लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।